ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 5 मिनट है तुम लोगों के पास। अल्लाह खुश रखे आपको। ये बताओ तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, मुझे कब निकालोगे यहाँ से? भाई मुझे तो खबर ही नहीं थी, जैसे पता चला आ गया। पैसों के मामलात की खबर तो मिल जाती है तुम्हें? हाँ भाई, मैं कसम खा रहा हूँ मुझे नहीं पता था। अली को भी पकड़ा है? हाँ, उसे भी पकड़ लिया है, बराबर में बंद है वो भी। बात सुनो मेरी, सिर्फ बासित निकाल सकता है मुझे यहाँ से। उसके पास जाओ और उससे बताओ कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। जल्दी से जाओ और उसे इन्फॉर्म करो। ठीक है भाई, करीब आओ। अगर वो कहे कि मैंने काम छोड़ दिया और मुझे यहाँ से ना निकाले तो मेरा सलाम कह देना। कह देना कि अगर मैं बर्बाद हुआ तो सब बर्बाद होंगे, कोई नहीं बचेगा, इसकी सजा सब भुगतेंगे। समझ गए तुम? समझ गए भाई। उससे कहना कि जैन ने कहा है कि वो तुम्हारा नाम भी बता देगा, वरना जितना जल्दी हो निकाले मुझे यहाँ से। समझ गए? ठीक है भाई। भाई बहुत शुक्रिया, बात हो गई हमारी। ठीक है, जाओ तुम। इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा रहे तुम्हें, जो सच है वही बताना। बेस्ट ऑफ लक। शाम देर, मैं अभी सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। नो, इट्स ओके। अरे बासित, वेलकम, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। आज कैसे यहाँ का रास्ता भटक गया? काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है। बात कुछ ऐसी है, असल में एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे। हाँ बोलो, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? किसी को जेल से निकलवाना चाहता हूँ। जमील, वो जो जैन है ना, उसके वकील हैं ये। हेलो, मैं मिस्टर जैन का वकील हूं, निजात। क्या मैं अपने मौकिल से मिल सकता हूं? ज्यादा देर बात नहीं कर सकते आप। ठीक है। मैं निजात हूं, तुम्हारा वकील, और अब मैं तुमसे जो जो सवाल करूंगा तुम उसका जल्दी जल्दी जवाब दोगे। ठीक है। जब पुलिस ने तुम्हें पकड़ने के लिए छापा मारा था, तो क्या उस वक्त गैरेज में चोरी की कोई गाड़ी या उसके पार्ट्स वगैरह थे? हम गाड़ियों के पार्ट्स नहीं बेचते, बल्कि पूरी गाड़ी क्लाइंट को बेच देते हैं। अच्छा, ये बताओ गैरेज में कोई पर्सनल सामान रखा हुआ है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल, लोग समझते हैं कि वो सिर्फ एक गैराज है। कितना अरसा हुआ इस गैरेज को किराए पर लिए हुए? जगह के मालिक से बात हमेशा मैं ही करता हूं, लेकिन रेंट बासित देता है। समझ गया। तो मुझे निकाल पाओगे? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें निकालने की। कोशिश नहीं, निकालना है मुझे यहां से, समझे? और हाँ, अपने बासित साहब से कहना कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वकीलों की फौज लगानी पड़े उसे, पर मुझे यहां से निकाले, वरना मेरे साथ यही आएगा। कह दूंगा और अपनी पूरी कोशिश भी करूंगा। अली को भी निकालूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है।